बीकानेर में कोरोना के मामले बढ़ने के साथ अब नगर निगम ने भी सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। इसी बीच बीकानेर के पंचशती सर्किल पर एक शोरूम पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने उसे सीज कर दिया, जिसके बाद शोरूम संचालकों में हड़कंप मच गया और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। वहीं इस दौरान मौके पर भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा। नगर निगम अधिकारी को कहना है कि प्रशासन की ओर से कोरोना को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी शोरूम संचालक और दुकानदार कोरोना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आज नगर निगम बीकानेर द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की भी पालना हेतु जो नगर निगम का जो क्षेत्र है उसमें जो प्रतिष्ठान है जो कोविड प्रोटोकॉल की पालना नहीं कर रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती से पालना कराने हेतु हमने अस्थायी रूप से इस प्रतिष्ठान को सीज किया है, ताकि लोगों में जागरूकता रहे और लोगों में जागरूकता में कमी आने के कारण लोग प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं कर रहे, जिससे कि ये जो कोरोना है वो बढ़ता जा रहा है। आज हमने ये एक दुकान प्रतिष्ठान सीज किया है और अन्य लोगों को समझाइश की गई है, और इस दुकान हमने पाया कि ये कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालना नहीं कर रहे थे। सेल्समैन थे वो बगैर मास्क थे और सोशल डिस्टेंसिंग की भी पालना नहीं की जा रही थी। सख्ती बरतने के कारण ये सर कि लोग समझाइश के बावजूद मनी मान रहे हैं और लोग इस कोरोना को गंभीरता इसकी समझ नहीं रहे और इसको हल्के में ले रहे हैं, इस वजह से हमें ये थोड़ी सख्ती कार्रवाई करनी पड़ी। जिला प्रशासन की गाइडलाइन जारी करने के बाद भी लोगों में कोरोना को लेकर जागरूकता नहीं बढ़ रही है। प्रशासन की ओर से जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बावजूद इसके लोगों में लापरवाही बढ़ती जा रही है। बाजारों में ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है और ना ही मास्क को लेकर लोगों में कोई जागरूकता है। ऐसे में प्रशासन के सामने सिवाय सख्ती बरतने की और कोई रास्ता नहीं है, और इसीलिए प्रशासन की ओर से अब नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए बीकानेर से आनंद प्रताप आचार्य की रिपोर्ट।